A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our sixth chapter of social study, that is the story of early man. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, early man जो है पहले के ज़माने में क्या होते थे, जंगलों में रहा करते थे. early man की स्टोरीज आपने भी सुनी होंगी. ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं, यानी कि पहले जो man हुआ करते थे वो किस तरीके से रहते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और जिसमें अर्ली मैंस की लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, वो कैसे सर्वाइव करते थे हम इस लेसन में पढ़ेंगे. और जिसमें अर्ली मैन के बारे में पढ़ाया जाता है उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं. लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन, यानी कि अर्ली ह्यूमन पहले के ज़माने के लोग जो है कैसे रहा करते थे ये हम पढ़ेंगे. अर्ली मैंस जो है, अर्ली ह्यूमन बींग डू नॉट ईट कुक्ड फूड, वो पका हुआ खाना नहीं खाते थे और वो जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाया करते थे. दे आर ऑल्सो नोन एज हंटर एंड गैदरर्स, इसलिए उन्हें हंटरर और गैदरर कहा जाता है. ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, ये अर्ली मैंस हैं और ये किसको मार रहे हैं, एक डियर को इन्होंने मारा और हंट किया और उसको एज इट इज ऐसा ही रॉ यानी कि कच्चा मीट उसका खा जाते थे. ऐसे अर्ली मैन पहले हुआ करते थे. अर्ली मैंस के पास पहले के ज़माने में कोई इस तरीके के औजार टूल्स नहीं रहा करते थे, तो वो अपने हाथों से ही फूड्स को कलेक्ट किया करते थे. शार्प स्टोन्स का यूज़ करते थे, रूट्स को निकालते थे सॉइल के अंदर से, जो पेड़ों की जड़ें होती थी उनको खाते थे, जानवरों को मार के खाया करते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टूल्स का आविष्कार किया. एनिमल्स की बोन्स यानी कि एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती हैं उनसे जो है उन्होंने टूल्स बनाए. फिर जो है उन्होंने उससे फिश हंटिंग, डिगिंग, ये सब काम किए और भी एक्टिविटीज़ की. और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्टोन का यूज़ करके, पत्थरों का यूज़ करके उन्होंने टूल्स बनाए, इसीलिए उसे स्टोन एज भी कहा जाता है. ये देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. नेक्स्ट इज अर्ली शेल्टर, यानी कि पहले के ज़माने के शेल्टर कैसे हुआ करते थे. उस टाइम पे जो है अर्ली मैन के पास कोई घर नहीं हुआ करते थे, वो लोग जो है केव में, जंगल में, गुफाओं में रहा करते थे. चाहे कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, चाहे कैसे भी भयानक वाइल्ड एनिमल्स हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट उनसे कैसे करते थे, केव्स यानी कि गुफाओं में रहकर खुद को प्रोटेक्ट किया करते थे. आज भी उनके जो रहने के, अगर हम कहें कि कुछ एविडेंस जो है उनकी केव पेंटिंग से मिलते हैं, यानी कि गुफाओं में जो पेंटिंग चित्रकारी मिलती है उससे हमें पता चलता है कि अर्ली मैन किस तरीके से रहा करते थे. अर्ली क्लोथ्स, उनके पास पहले के ज़माने में कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो जो है एनिमल्स के स्किन और फर को जो का यूज़ करके अपने आप को क्या करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया करते थे. ट्रीज़ की बाग से, बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियों का यूज़ करके अपनी बॉडी को ढका करते थे और सर्दी हो या बारिशों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. डिस्कवरी बाय अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन्स ने क्या क्या चीज़ की डिस्कवरी की. पहले जो है अर्ली मैंस ने जब दो स्टोन्स को या दो ड्राई स्टिक्स को जब रब किया तो उससे क्या हुई, फायर प्रोड्यूस हुई यानी कि आग प्रोड्यूस हुई. तो इससे उन्होंने क्या किया, फायर का इन्वेंशन किया और धीरे धीरे इस तरीके से उनकी लाइफ चेंज होने लगी. पहले उन्होंने फायर का यूज़ करके अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया, लेकिन फिर उसी फायर का यूज़ कर करके धीरे धीरे से उन्होंने क्या किया, उसमें खाना पकाना चालू किया, जिससे उन्होंने कुक्ड फूड का भी इन्वेंशन किया. और धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग सीखी यानी कि खेती करना सीखी और फूड ग्रो करना भी सीख लिया. टर्न द पेज, ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से अर्ली मैन ने फिर फार्मिंग करना सीखी, फायर का इन्वेंशन किया और धीरे धीरे उन्होंने फिर क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया. व्हील का आइडिया आया उनके दिमाग में, फिर उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया और इन्वेंशन ऑफ व्हील करने के बाद उन्होंने क्या किया, पॉट बनाना की इन्वेंशन किया और धीरे धीरे उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन बना दी. तो बच्चों, आपको पता चला कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से जो है धीरे धीरे इन्वेंशन करके आज हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे पास सब कुछ है. तो इन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये हमें अर्ली मैन की स्टोरी से पता चलता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू.